स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी महाराष्ट्र के जमात मौसमी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। जमात इस्लामी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र व्यापारी एक मुहिम बना रही है, एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम उन्होंने दिया इस्लाम सबके लिए। हम जानते हैं उनसे कि आखिर ये कैंपेन क्या है। मोहम्मद सही साहब, आपका स्वागत है मंडोर स्कूल में। आप ही बताइए हमारे दर्शकों से कि ये कैंपेन क्या है। इस्लाम सबके लिए जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र महाराष्ट्र गीर पैमाने पर, राज्यव्यापी पैमाने पर ये मुहिम 9 जनवरी से 18 जनवरी मना रही है। इस मुहिम का उद्देश्य एक तो ये है कि इस्लाम एक परिपूर्ण जीवन व्यवस्था है और जो सबके लिए लाभ और कल्याण और मुक्ति का मार्ग जो है दिखाता है, इसलिए इस इस्लाम का परिचय करना। दूसरी ये कि इसके बारे में और मोहम्मद सल्लम और कुरान के बारे में जो कुछ मिसकंसेप्शंस है, गलतफहमियां हैं, तो दूर करना। हमारा ये विश्वास है कि जब तक गलतफहमियां दूर नहीं होगी, हमारे भीतर एकता एकजहती निर्माण होना मुश्किल है। उसको निर्माण करने के हेतु हम ये अभियान चला रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि देश के जो समस्याएं हैं जिससे देश जूझ रहा है, जैसे अश्लीलता है, नग्नता है, व्यभिचार है और बलात्कार है, स्त्री भ्रूण हत्या है, महिलाओं का शोषण है और शेतकरियों की आत्महत्या है, इसी के साथ साथ साटेबाजी है, रिश्वत है और भ्रष्टाचार है। सभी साहब, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से देश में जो एक मुहिम चलाई जा रही है घर वापसी की लेकर, तो क्या इसका कोई आपका प्रोग्राम जो है इससे कोई प्रेरित है? ये कहा जाता है कि देश में जो सभ्यता संस्कृति बसती है, पुराने जो यहाँ के लोग थे वो हिंदू थे, वापस जो है घर वापस आ जाएं और धर्मांतरण कर लें, तो क्या आपकी मुहिम भी इसी तरह की कुछ है? पहली चीज़ तो ये कि हमारी ये मुहिम नई नहीं है। हम इससे पहले भी मोहम्मद सल्लम सबके लिए, कुरान सबके लिए और मानव अधिकार मुहिम, नफरत मिटाओ देश बचाओ मुहिम और राष्ट्र का देश का विकास सद्भावना और न्याय के साथ और गुटखा विरोधी मुहिम, इसी के साथ साथ दहेज विरोधी मुहिम, हम इससे पहले बहुत सारी मुहिमें मना चुके हैं। और 4 साल पहले ही जब हमारा ये सत्र 2011 से 2015 शुरू हुआ था, उसी वक्त हमने ये मुहिम मनाने का हमारे 4 साल कार्यक्रम में तय कर लिया था। इसलिए ये हमारी मुहिम कोई नई नहीं है और ये कोई रिएक्शन के तौर पर नहीं है। दूसरी ये कि हम इस बात को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन के मुकाबले में मन परिवर्तन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हम उसको ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। जब इंसान के अंदर मन परिवर्तन नहीं होगा, वो इंसान इंसान नहीं बनेगा, इंसानों का हमदर्द नहीं बनेगा, तो कोई समस्या हमारी सॉल्व नहीं हो सकेगी। और जो ये मुहिम चला रहे हैं घर वापसी की, उनका ही कहना है कि यहाँ के मुसलमान जो पहले हिंदू थे और उन्हें वापस हिंदू हो जाना चाहिए, तो क्या आपके पास भी ऐसा कोई तर्क है उनके लिए? हम तो ये ईश्वर के जो आदेश है, खुदा के जो आदेश है, हम चाहते हैं कि इंसान उसके मुताबिक अपने आप को उसका बंदा बनाए और इंसानों के साथ अच्छा सलूक उसका हो और सद्भावना और प्रेम की भावना निर्माण हो और इंसाफ और दया की भावना निर्माण हो। ये चीज़ हम इस तरह से कोई रचनात्मक चीज़ों को हम पेश करना चाहते हैं। कोई जो वो लोग काम कर रहे हैं वो जाने वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान के अधीन रहते हुए काम करना चाहते हैं। आज संविधान को बचाना और उसके जो है अधीन रहते हुए काम करना, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।